हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। गरम थाली में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाते हैं भिंडी की सूप की सब्जी। तो भिंडी का मौसम चल रहा है तो भिंडी की सूखी सब्जी बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे आधी कटोरी कच्ची मूंगफली दाना, इसको हम कढ़ाई में डाल के भूनेंगे। ये देखो हमारी मूंगफली भून चुकी है, इसको हम एक अलग प्लेट के अंदर निकालेंगे। अब इसके अंदर कढ़ाई के अंदर डालेंगे हम 7 से 8 तेज वाली हरी मिर्च, 7 से 8 कली लहसुन की। इसको हम मीडियम आंच पे कढ़ाई के अंदर बिना तेल डाले हुए भूनेंगे। अगर आपको तेल पसंद है तो तेल के साथ भी आप भून सकते हो, बट बिना तेल के भूनने के बाद एक अलग ही स्वाद निखर के आता है। तो अच्छे से इसको कढ़ाई के अंदर स्टिक से हिलाते हुए भूनेंगे ताकि इसका पूरा कच्चापन निकल जाए। ये हमारी लहसुन और हरी मिर्च भून चुकी है, कढ़ाई गर्म है। तो मैंने ये भिंडी है, फ्रेश भिंडी इस तरीके से अलग से काट के रखी है। भिंडी के अंदर एक चिपचिपापन होता है, इस चिपचिपापन को हटाने के लिए हम सबसे पहले जब भिंडी को धोते हैं तो हम उसको भिंडी के अंदर जो पानी का कंटेंट होता है उसको सुखाने के लिए अलग से कपड़े के अंदर पोंछेंगे या तकरीबन 1 घंटे के अंदर उसे सुखाने के लिए रखेंगे। अब भिंडी को भूनने के लिए हमने तकरीबन इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच ऑयल डाला हुआ है। ऑयल के साथ इसको हम भूनेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 पिंच हल्दी, इसको मिक्स करेंगे हिलाते हुए। इसके बाद हमने जो मूंगफली भून के रखी थी वो ठंडी हो चुकी है और इसके ऊपर का हम अभी छिलका निकाल लेंगे। अगर आपको छिलका नहीं निकालना चाहते हैं तो भी चलेगा, ये ऑप्शनल है। इस तरीके से हम इसका छिलका उतारेंगे। अब लेंगे एक हम ग्राइंडिंग जार। ग्राइंडिंग जार के अंदर भुनी हुई हरी मिर्च, लहसुन की कली और ये मूंगफली दाना इस जार के अंदर डालेंगे। ऊपर से डालेंगे हम कुछ हरा धनिया पत्ते। जार का लीड बंद करके हम इसको दरदरा ग्राइंड करेंगे। चाहे तो आप इसके सलवटे के अंदर भी आप कूट सकते हो, ज्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इस तरीके से दरदरा कूटना है। अब हमारी भिंडी भून चुकी है, इसको अलग से निकालेंगे। कढ़ाई के अंदर डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा, कढ़ाई ऑलरेडी गर्म हो चुकी है। इसके अंदर ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। आप चाहे इसके अंदर ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। इस तेल के अंदर हम जीरा भून चुका है, इसके अंदर मैंने ऐड किया 1 बारीक कटा हुआ प्याज, इसको मिक्स करते हुए लाएंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 पिंच हल्दी पाउडर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज को इस तरीके से हिलाते हुए इसको भूनेंगे। अब इसके अंदर जो हमने ग्राइंडिंग जार के अंदर मसाला मिक्स किया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको भी अच्छी तरह इस प्याज के अंदर मिक्स करते हुए मीडियम आंच पे भूनेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे हम स्वादानुसार नमक, मैंने लिया है यहाँ तकरीबन 1 छोटा चम्मच नमक। नमक को आप स्वादानुसार अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने डाला 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर हमने कम इसलिए डाला कि ऑलरेडी हमने 7 से 8 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है इसके अंदर। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद लास्ट स्टेज हम डालेंगे जो हमने भून के ऑलरेडी रखी हुई है भिंडी, इसको कढ़ाई के अंदर ऐड करेंगे और अच्छे से इस मसाले के अंदर मिक्स करेंगे।
इस तरीके की रेसिपी आप अपने घर में एक बार जरूर इस्तेमाल कर ले। लास्ट में हमने डाला एक छोटा चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर, आप चाहे तो नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर एक सब्जी के अंदर एक हल्की सी खटास का टेस्ट आएगा। इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम। लास्ट में हमारे अभी भिंडी पक चुकी है, अब डालेंगे हम थोड़ा सा पानी के छींटे, और पानी के छींटे डाल के हम ऊपर से लीड बंद करेंगे ताकि इस पानी से जो स्टीम बनेगी, इस स्टीम से हमारी भिंडी अच्छे से पक जाए। अब हमारी भिंडी की सब्जी बन के रेडी है। एक बार दोबारा से अच्छे से हिला के देख लेते हैं, ये बन के रेडी है। अब इसको अलग से एक प्लेट के अंदर गार्निश कर लेते हैं। ये देखिए कितनी शानदार सब्जी बन के रेडी है। तो चलिए दोस्तों, अब बनाते हैं हम भिंडी की दूसरी रेसिपी, जिसको हम बोलेंगे भिंडी मसाला। भिंडी मसाला बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिए एक ग्राइंडिंग जार के अंदर अदरक के दो छोटे टुकड़े, एक बारीक कटा हुआ प्याज, 4 से 5 हरी मिर्च तेज वाली, 7 से 8 लहसुन की कलियां। इसको हम जार का ढक्कन बंद करके और दरदर पीसेंगे। हमने यहाँ पर ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। स्टोव के ऊपर कढ़ाई रखी है, और भिंडी मसाला बनाने के लिए हमने एक अलग तरीके से इस तरीके से भिंडी, तकरीबन 250 ग्राम भिंडी मैंने यहाँ पर कट करके ऑलरेडी रखी हुई है, और इसको कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच ऑयल डाल के अच्छे से भून लेंगे। भूनने से जो भिंडी का कच्चापन है वो निकल जाएगा। इसके अंदर ऐड करेंगे हम छोटा 1 चम्मच या 1 पिंच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर भी ये जो भिंडी के अंदर चिपचिपाहट होती है इसको निकालने में मदद करता है, इसलिए हमें हल्दी को ऐड करना है। और चम्मच की सहायता से हिला के इसको जब तक भूनना है जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए। अभी हमारी भिंडी भून के रेडी है, इसको हम एक अलग से प्लेट के अंदर निकालेंगे। इसके बाद इसी गर्म कढ़ाई के अंदर हमने एक प्याज जो मोटा मोटा इस तरीके से काटा हुआ, इस प्याज को कढ़ाई के अंदर डाल के 1 चम्मच तेल ऐड करेंगे, और इसको हाई फ्लेम के ऊपर हल्का भूनेंगे। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का भूनना है ताकि इसका जो क्रंच है वो बना रहे। इसके बाद मैंने आधा टमाटर लिया है जिसके 5-6 टुकड़े मोटे मोटे काट करके वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे, और इसी के साथ में भूनेंगे। ये हमारे प्याज और टमाटर भून चुके हैं, इसको हम एक अलग प्लेट के अंदर कढ़ाई से निकालेंगे। इसको हम अभी साइड में रख देते हैं। इसके बाद गरम कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। एक छोटा चम्मच जीरा, थोड़ा सा साबुत धनिया, इसके बाद डालेंगे एक छोटा चम्मच बेसन। ये बेसन तेल के अंदर इसलिए डालना है ताकि आपकी जो भिंडी के अंदर ग्रेवी है उसकी थिकनेस को बढ़ाएगा। इसके अंदर अभी ऐड करेंगे हमने जो ग्राइंडिंग जार के अंदर पेस्ट तैयार किया था वो पेस्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे, जो प्याज हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट था। इसको चम्मच की सहायता से हिलाते हुए अच्छी तरह से भूनेंगे। अब इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 पिंच हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसको भी चम्मच की सहायता से हम
इस मसाले के अंदर मिक्स करेंगे। मसालों को भूनते भूनते वक्त लगातार हिलाते रहे ताकि मसाले नीचे से कढ़ाई को चिपके ना। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया एक टमाटो की प्यूरी। इसको भी तकरीबन हम एक मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि हमारे सारे मसाले अच्छी तरह भून के रेडी हो जाए। ऊपर से लीड बंद करेंगे, एक मिनट बाद निकालेंगे। ये हमारा मसाले बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखो मसाले ने अच्छी तरह से साइड से तेल छोड़ना शुरू किया है। अब हमने डाला इसके अंदर एक चम्मच गरम मसाला। इसको भी इसके अंदर अच्छी तरह से ऐड करेंगे। इसके बाद इसके अंदर जाएगा जो हमने प्याज और टमाटर भून के रखे थे, इसको इस मसाले के अंदर ऐड करेंगे। और लास्ट में भुनी हुई भिंडी। इन सारी चीज़ों को मसाले के अंदर अच्छी तरह चम्मच की सहायता से मिक्स करेंगे ताकि भिंडी अच्छी तरह मसालों को अब्जर्व कर ले। लास्ट में थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। आप अपने हिसाब से जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी को ऐड करें। मैंने यहाँ पे तकरीबन आधी कटोरी पानी ऐड किया है। आप अपने हिसाब से ग्रेवी को एडजस्ट करने के लिए पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में मैंने लिया एक चम्मच नमक। आप अपने स्वादानुसार नमक को कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। नमक को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर ऊपर ढक्कन को बंद करके तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखो हमारी भिंडी बिल्कुल बन के रेडी है। इस तरीके से भिंडी आप अपने किचन में ज़रूर एक बार ट्राई करें। ऊपर से हम डालेंगे एक बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इस तरीके से भिंडी सब्जी बना के आप अपने घर के मेम्बरों को ज़रूर खिलाएं, घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। अब इस भिंडी को हम एक प्लेट के अंदर सर्व करते हैं। ये देखिए कितनी शानदार बनके रेडी है। अगर ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।